भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत पठारी पहुंची, जहां पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह के द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात ग्राम पंचायत के सरपंच गोविंद प्रसाद गौतम के नेतृत्व में समस्त पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजस्व विभाग की तरफ से नौरोजाबाद के नायब तहसीलदार राम सिंह धुर्वे के द्वारा सरकार के द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से मिल रही सरकार योजनाओं के बारे में बताया गया। तत्पश्चात कृषि विभाग अधिकारी भूमिका तिवारी के द्वारा कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित पशुपालन विभाग के अधिकारी इंद्रजीत धुर्वे के द्वारा अपने विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं के बारे में बताया। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी शिव प्रसाद कौल के द्वारा विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह के द्वारा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए यह यात्रा चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना, बहुत सारी ऐसी योजना है जो वास्तव में हमारी जनता जनार्दन को मिलना चाहिए। इसलिए हमारी प्रदेश सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि गांव गांव जाकर हम जनता जनार्दन को, जो हमारे छूट गए हैं जनता जनार्दन, हमारी योजनाओं से वंचित हो गए हैं, चाहे हमारी माताएं हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे नौजवान साथी हो, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उनको चिन्हित करके उनको लाभ दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि अब गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर हम इस रथ के माध्यम से हमारे अधिकारी, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण गाँव गाँव जाएंगे और निश्चित रूप से जनता जनार्दन को उस योजनाओं से जोड़कर उनको जीवन में खुशहाली लाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, यही विजन है, इसलिए उन्होंने संकल्प लिया है मोदी जी ने और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने। जब तक हमारी जनता जनार्दन की खुशियां नहीं आ जाए, क्योंकि हमारी जो योजना है उनको मिल ना जाए, तब तक हम जनता जनार्दन के बीच में जाते रहेंगे, कई यात्रा बनाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चला, फिर विकास यात्रा आई, अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पुनः हम आपके बीच में पधारे हैं, तो आते रहेंगे हम सब। हम इस सरकार के हमारे अधिकारीगण हम सब आते रहेंगे। हमारे भी यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अधिकारी के ऑफिस में चक्कर लगाना ना पड़े, उमरिया ना जाना पड़े, तहसील के चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए हम सब आते आएंगे और आपके घर में ही गांव में हमें जो छोटी छोटी समस्या है उनका निराकरण करने का प्रयास हम सब करेंगे। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम सब यहाँ पे आए हैं और निश्चित रूप से जो छूट गए हैं, जो वंचित हो गए हमारे गरीब बहन किसान भाई, ऐसे लोगों को चिन्हित करके लाभ दिलाने का काम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम सबको करना है। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।